नेशनल जूलॉजिकल पार्क और नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम जिसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, उन दोनों का एक ही मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, और ऑटो का फेयर 40 to 50 रुपीज़ यहाँ पर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर वेरी ओन सपित सिंह, मी जोत कौर, मैं प्रिंसदीप सिंह जी, आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करते हैं। तो आज हम विजिट करेंगे नेशनल जूलॉजिकल पार्क को। कौन कौन से एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं इसमें, उन्हें हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के एंड तक, आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। इस साइट पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क की पार्किंग बनी हुई है, जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क की अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास एक पहली वेबसाइट ही आएगी, उस पर आप टैप करके इसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन टिकट की सुविधा नहीं है। इस साइड क्लॉक रूम बना हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं। इस साइड हम एंट्री करते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। ये मैम यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हैं और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं, और हमें सिक्योरिटी के सारे रूल्स का फॉलो करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ साइट पर बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ रिसाइकल वेस्ट से फिश का एक स्कल्पचर बोल सकते हैं बनाया हुआ है, एंड कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत चल रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर आप फोटो क्लिक करा सकते हैं, हम भी करवा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर तरीके से नेचर को रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप लोकेशन के लिए आप जानकारी ले सकते हैं तथा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इस साइड फाउंटेन्स चल रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेड आ रही है। यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप बाय वॉक नेशनल जूलॉजिकल पार्क को नहीं घूमना चाहते तो आप कार्ड के जरिए भी इसे घूम सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 70 रुपीज पर पर्सन पड़ेगी। यहाँ पर ये स्ट्रैप आपको एज अ टिकट बंधवाना पड़ता है। थैंक यू। हमारा फर्स्ट स्टॉप, यहाँ पर उतर कर आप इस जगह को, इस स्टॉप को घूम सकते हैं। बोट स्टॉपेज, वाटर बर्ड्स देखते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ पर आप रोजी पेलिकन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी रोजी पेलिकन जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और चैन से बैठे हैं। ये साइन बोर्ड इस तरफ की जो भी प्लेसेस हम हमको बताता है, एंड हम घूम सकते हैं साइड जो जो एनिमल्स हैं उनके यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, एंड आप उन्हें भी यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उधर भी एक बोर्ड है,
लेट मी जूम इन। चलती हैं आगे की ओर, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टॉप का जो मेन प्लेसेस थी हमने विजिट कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। यहाँ पर है लाइन टेल्ड मैक्यू, यानी कि शेर पूंछ बंदर। देखती हैं वो रहा, लेट मी जूम इन फॉर यू। इस साइड आप स्मॉल कैट्स, टैमिंडीज, स्वैम्प डियर्स, हेनास आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स को देख सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं राइनोसॉर्स आराम करते हुए। ये सारा जूलॉजिकल पार्क 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालयन ब्लैक बियर, गोरल्स आप इस साइड पर देख सकते हैं, उस साइड पर भी आप देख सकते हैं गोरल्स को। काफी ओरिजिनल सा, रियल सा लग रहा था गाइड मैप। और इस साइड वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं उन्हें। ये है हाथी का एक मॉडल, एंड अब हम आपको दिखाते हैं रियल एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स। मैंने पहली बार लाइफ में एक ऐसा एलिफेंट देखा है जिसके मतलब जो बाहर दिखाने वाले दांत होते हैं, क्योंकि हम मुहावरा भी है हिंदी में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और काफी बड़ा है ये, एंड एक बेबी एलिफेंट भी इसके साथ है। इस साइड जैगुआर है, देखते हैं क्या हमको दिख पाते हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं जैगुआर रिलैक्स मोड में। भेड़िया आप देख सकते हैं, वुल्फ्स, भेड़िया, टाइगर, द स्पिरिट ऑफ द जंगल। You get the information from this board, and you can see the white tiger in a cave.
सब ने मिलकर घूम लिया है नेशनल जूलॉजिकल पार्क को। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलेंगे एक नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपसे अपनी ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रही तो आप यहां आकर इन एजेंट से भी अपनी टिकट को बुक करवा सकते हैं और नेशनल जूलॉजिकल पार्क को घूम सकते हैं। इस साइड है सिटिंग एरिया जहां पर लोग बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं।